यहाँ उपस्थित आदरणीय ट्रस्टी श्री आचार्य महोदया श्री निर्णायकगण शिक्षकगण वालीगण और मेरे प्यारे दोस्तों सुप्रभात नमस्ते। आज मैं राजा राशि कक्षा सातवीं मगध में से राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों के योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। हमारी मातृभूमि की कृपा से हमने संसार के समस्त सुखों को देखा है और उनका उपभोग भी किया है, तो इस कृपा में मातृभूमि यानी कि देश के प्रति हमारा अनंत कर्तव्य है, चाहे हम विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी। और राष्ट्र और विद्यार्थी का संबंध कमाता और पुत्र के संबंध जैसा होता है। हमारे राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व राष्ट्र के नागरिक का होता है और आज के विद्यार्थी तो कल के नागरिक है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं पर ही निर्भर करता है और छात्र शक्ति को तो राष्ट्र शक्ति कहा गया है। विद्यार्थी न केवल देश के मेरुदंड होते हैं बल्कि मजबूत स्तंभ होते हैं जिन पर देश रूपी भवन खड़ा होता है, और इन्हीं विद्यार्थियों के कंधों पर एक विकसित और महाशक्तिशाली राष्ट्र का सपना पलता है और साकार भी होता है। इसलिए विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही अपने राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्य को जानना चाहिए और अपना दृष्टिकोण विस्तृत तथा कार्य क्षेत्र विशाल रखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का समय किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक समय होता है। विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में तभी सकारात्मक योगदान दे सकता है जब वह विद्यार्थी के महत्व को जान ले, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे तथा राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। किसी भी मनुष्य के चरित्र की नींव विद्यार्थी काल में ही होती है, इसलिए विद्यार्थी जीवन का अधिक महत्व है। विद्यार्थी एक विकासशील देश की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। वह हमेशा अपने समाज और देश को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। किसी भी विकासशील और महाशक्तिशाली देश के पीछे एक विद्यार्थी का ही विशेष योगदान होता है। एक विद्यार्थी देश का भविष्य बनाता है और उसे एक नई दिशा में ले जाने का काम करता है। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक विद्यार्थी की ही सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। विद्यार्थियों में बहुत ही तेज इच्छा शक्ति और ऊर्जा होती है जिससे वे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अनुशासनहीनता, महंगाई, कालाबाजारी जैसी कई समस्याओं का अंत करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में प्रतिभा और रचनात्मकता भरी हुई होती है। अगर वे किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं तो उसका परिवर्तन आना निश्चित होता है। विद्यार्थियों को तो राष्ट्र की आवाज माना गया है। विद्यार्थियों के मन में विद्यार्थियों के पास वह शक्ति होती है जिससे वे जो चाहे वे संभव कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए उन्हें एक अच्छे और सफल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है जिसे वे अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं का सही से उपयोग करें। आज का विद्यार्थी कल के राष्ट्र की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, तकनीकी आदि पहलुओं का संचालक होगा। इन्हीं में से देश को श्रेष्ठ वैज्ञानिक, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री और निष्ठावान अधिकारी मिलेंगे। और हाँ, इन्हीं में से देश को सूत्र जुटा सीधा चलाने वाले नेता भी मिलेंगे। आज का विद्यार्थी अपने अध्ययन से राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करेगा। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का योगदान बहुत बड़ा और विस्तृत भी है। वे अपने योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी तभी योगदान कर सकता है जब वह अपनी निष्ठा और सत्याचरण को श्रेष्ठ और महान बनाकर कार्य क्षेत्र में उतरता है। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका को समझते हुए ही भारतीय संविधान में भी मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई है, जिससे विद्यार्थी मतदान द्वारा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपने कर्तव्य की पूर्ति कर सके। विद्यार्थी जीवन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा तथा राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व बलिदान की भावना जागृत होती है। विद्यार्थी के मन में यह भाव कूट कूट कर भरे होने चाहिए कि यह देश ही मेरी मातृभूमि और पूर्ण भूमि है और इस देश के लिए मैं अपने सर्वस्व न्योछावर कर दूं। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी अपने विभिन्न सामाजिक कार्यों के द्वारा राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी देश के विद्यार्थी उस देश के आने वाले भविष्य के पथ प्रदर्शक होते हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों एवं आदर्श मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक है जिससे हमारे देश का भविष्य यानी हमारे देश के विद्यार्थी देश का सर्वांगीण विकास करें और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। और इस सपने को साकार करने के लिए हर एक विद्यार्थी के मन में यही होना चाहिए कि मैं इस देश का हनुमान हूँ, यह देश
सीना चीर के दिखा दूं कहां पर बैठा हिंदुस्तान में। धन्यवाद आपका।